सभी का स्वागत है बिजनेस कॉम्बिनेशन के अगले लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था कौन सा इंडेक्स कब एप्लीकेबल होगा और उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट जैसे किया तो वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, ये हमने बात की थी इसको एग्जांपल लेके। जैसे कि 10% इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने, फिर फर्दर 30% इन्वेस्टमेंट किया तो ये 45% हुआ, तो यहाँ पे एसोसिएट बन गया। तो इस समय जैसे ही वो एसोसिएट कन्वर्ट हुआ तो उसको हम लोग फेयर वैल्यू पे ले लिए। लेकिन बात एक ये आती है कि हमारा इंडेक्स 27 बोलता है कि आप कॉस्ट पे भी ले सकते हो और 109 जो बोलता है फेयर वैल्यू पे भी ले सकते हो। उसके बाद आप समझ लो, एक कॉन्सेप्ट समझो कि ये कंपनी है, यहाँ पे आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, ये मान लीजिए आपकी एसोसिएट हो सकती है, सब्सिडी हो सकती है। तो जैसे ही एसोसिएट सब्सिडी बनती है तो उस समय तो उसका फेयर वैल्यू पे उसका वैल्यूएशन लेना है, लेकिन उसके बाद उस एसेट का, उस शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ता घटता है। तो उस समय जो ये जो आपने इसको लिया तो इसको कॉस्ट मान लिया जाएगा। तो इस पर आप कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर फेयर वैल्यू पे इसको लेना चाहते हो तो 109 फॉलो करना पड़ेगा, और इसको फॉलो करते हो तो कॉस्ट मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ये बोलता है कि आप कॉस्ट लीजिए या फिर 109 लीजिए, एक आपको हमेशा फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। मतलब एक बार सिलेक्शन कर लिया तो हमेशा वैसे ही रहना पड़ेगा, क्लियर है। इसमें हमने फेयर वैल्यू लिया था, एक बार अगर रिपीट किया जाए तो वाई लिमिटेड एक कंपनी जिन्होंने एक्स लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, ओके। तो ये आपका 12% इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 30K पे है और उसकी बैलेंस शीट बनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो उसकी फेयर वैल्यू हो गई 40K। मतलब बिफोर एसोसिएट और जॉइंट वेंचर और सब्सिडी, उसके पहले तो हर आदमी 109 फॉलो करता है, जो कि हमेशा एसेट्स को मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उसको फेयर वैल्यू पे रखने के लिए कहता है, तो फॉलो कर। अब जैसे ही यहाँ पे 30% इन्वेस्टमेंट किया तो ये हमारा 20-50% के क्राइटेरिया में आ गया और ये 42% हो गया, तो ये क्या हो गया, एक एसोसिएट हो गया। तो जो हमारी वैल्यू मान लीजिए 30% इन्वेस्ट हुआ 1 लाख, अब समझते 30% इन्वेस्ट हुआ 1 लाख, तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन हम करेंगे इसकी, ये तो जो 30% 1 लाख है तो 1 लाख की होगी, और ये जो 40K है ये करंट वैल्यू पे, जैसे 45K इसकी करंट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ बिकमिंग एसोसिएट, तो उसको लेंगे। अब यहाँ से जर्नी शुरू होगी, यहाँ से जर्नी शुरू होगी, और इंडेक्स बोलता है कि ये जो आपने ले लिया ये हमारी कॉस्ट मान ली जाएगी, लेकिन आप इसको कॉस्ट पे कंटिन्यू करना चाहते हो कि आगे उसको फ्लक्चुएट कराना चाहते हो, जो कि हमने फॉलो किया था वो फेयर वैल्यू किया था। तो फर्दर यहाँ पे जब 10% की जो हमने 109 फॉलो करके मतलब फेयर वैल्यू पे उसको लिया था, तो जब 10% इन्वेस्ट किया तो वो क्या बनी, अब सब्सिडी बनी। सब्सिडी जब बनी 10% की वैल्यू 42K थे तो हमने उसको वैसे ही रखा, लेकिन जो 42% जो हमारा प्रीवियस इन्वेस्टमेंट था वो 145 था, लेकिन उसकी वैल्यूएशन अभी बढ़ गई तो उसको 250K पे हमने ला दिया। मतलब वैल्यूएशन बढ़ गई, 200K हो गई। तो जो अभी हमने वैल्यूएशन की इसकी, कि जो पुराना हमारा शेयर था इन्वेस्टमेंट उसको भी रीवैल्यू किया जैसे ही सब्सिडी बनी, ठीक है, जैसे ही सब्सिडी बनी तो उसको रिवैल्यूएशन करना है। अब कंटिन्यूएशन में आप समझ रहे हो कि एक बार जो कॉस्ट आपकी आ गई, आपकी मान लीजिए एक सब्सिडी बन गई, यहाँ पे आपकी सब्सिडी बन गई उसका इन्वेस्टमेंट हो गया 252 की और आपके पास 50% से ज़्यादा शेयर है। अब इसका दाम बढ़ता है घटता है, इस साल बढ़ा इस साल घटा, तो उसको कम बेसी करना है या फिर इसी के ऊपर कंटिन्यू करना है। तो कम बेसी करना है तो मतलब फ्लक्चुएट करेगा वैल्यूएशन, तो उसको फेयर वैल्यू मेथड फॉलो करना पड़ेगा, और जो नहीं चाहता उसको कॉस्ट मेथड। लेकिन एक बार अगर आपने किसी क्लास में फॉलो कर दिया, क्लास मतलब एसोसिएट सब्सिडी और जॉइंट वेंचर में अगर एक बार फॉलो कर दिया तो हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, क्लियर है। एग्जाम्पल एक देखते हैं, मान लीजिए एक जेड लिमिटेड कंपनी है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की बी लिमिटेड में, इनके पास कितना शेयर है, मतलब इन्होंने इन्वेस्टमेंट की 2015 में 10%, 2016 में 30% और 2017 में 20%, ठीक है, और इसकी वैल्यू ये है और फेयर वैल्यू ये और फेयर वैल्यू ये, मतलब इनकी कॉस्ट ये और फेयर वैल्यू ये। आपसे पूछा गया कि जर्नल एंट्री मारिए अगर
अगर ये बोलते हैं कि एसोसिएट के लिए हम कॉस्ट मेथड फॉलो करते हैं और जब सब्सिडी बनती है तो हम फेयर वैल्यू मेथड फॉलो करते हैं, तो चलिए देखते हैं एक बार इसको से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जनरल एंट्री अगर की जाए तो क्या होगी जनरल एंट्री, एज वी ऑल नो, जैसे कि ईयर वाइज करेंगे, जैसे कि 3 साल की एंट्री दी गई, ठीक है, 15, 16, 16, 17, 17, 18, तो अगर 2015-16 की ईयर में अगर हम एंट्री मारे, 2015-16 में अगर कोई एंट्री हमको करनी पड़ेगी, तो 1 मई को हमने एक्वायर किया था, तो डेट मान लीजिए लिखिए 1 मई 2015। ये बस एक क्लैरिफिकेशन के लिए, आप आई होप आप समझ रहे हो, क्लैरिफिकेशन का मतलब यहाँ पे मेरा सिर्फ यही है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कॉस्ट ऑफ एयरोल उसको थोड़ा सा और इलोबोरेट कर दूँ, ठीक है। तो जनरल मतलब एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक, बैंक से पेमेंट हुआ है, ये अज्यूम्ड है, 1 लाख इसकी वैल्यू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए 31 मार्च आया 2016 और मान लीजिए इसकी वैल्यू 31 मार्च 2016 को 1,50,000 होगी, ठीक है। जैसे दिया ना फेयर वैल्यू ऑफ, मतलब ये 1 जून को दिया है, हम मान ले रहे हैं कि 31 मार्च से इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो बस दिखाने के लिए। तो अब क्या होगा, जो वैल्यूएशन बढ़ गई क्लोजिंग पे तो क्या किया जाएगा, अभी ये ना तो एसोसिएट है ना ही सब्सिडरी है, तो इसमें सेक्शन 109 फॉलो होता है और हमेशा फेयर वैल्यू पे लिया जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा इन्वेस्टमेंट डेबिट टू PNL 50,000। आई होप आपको समझ में आया कि अभी ना ये एसोसिएट बनी है ना आपकी जॉइंट वेंचर, तो हमेशा इसको फेयर वैल्यू पे लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, हम 30% शेयर अक्वायर करेंगे जैसे वो क्या हो जाएगा एसोसिएट, तब उस समय एंट्री क्या होगी। अगर इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाए, मतलब इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर दिखाया जाए उसमें क्या बनेगा, PNL बन जाएगा और बैलेंस शीट। तो ये जो PNL में चार्ज हुआ था ना, ये चला जाएगा आपका यहाँ पे 50,000 अदर इनकम में, और ये आपका जो ये वैल्यूएशन है इन्वेस्टमेंट का नॉन करेंट एसेट में चला जाएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोल के 1,50,000। अभी तक हम ना एसोसिएट की बात कर रहे हैं, ना जॉइंट वेंचर की, ना सब्सिडरी की। तो इसकी ये एंट्री होगी। अब जब ये एसोसिएट बनेगी तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन्होंने की 2016-17 में, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। प्रीवियस ईयर 2016-17, कलर चेंज कर लेते हैं जनरल एंट्री का। तो पहली एंट्री तो इन्वेस्टमेंट की होगी, 30% जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है उसकी एंट्री क्या होगी, ऑफ कोर्स एक ही एंट्री होती है जो हम सबको पता है, वो होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इसकी डेट लिख लेते एक बार, आइडिया रहेगा, 1 जून को हुई है, 1 जून को इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बात ये यहाँ पे आपको समझनी होगी कि ये देखिए 30% इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है ये, और इसकी फेयर वैल्यू है 1,50,000। अब जो ये एसोसिएट बन जाएगा
30+10 40% इसमें आ जाएगा। अगर इसकी कॉस्ट 4 लाख रहती और इसके हिसाब से फेयर वैल्यू आ जाएगी 4,50,000, तो आओ इस समय जैसे ही एसोसिएट बना उस समय आपको तो फेयर वैल्यू पे ही लेना है। मान लीजिए यहाँ पे सम में है 4 लाख, तो यहाँ पे 4,50,000 हो गया। ये किसके हिसाब से, आप कोई भी मेथड फॉलो करो, ये तो फेयर वैल्यू के हिसाब से ही होगा, ठीक है। आप कोई भी मेथड फॉलो करो लेकिन ये फेयर वैल्यू के ही हिसाब से होगा। आप कॉस्ट फॉलो करो या ना करो, क्लियर है। जबकि जो हमारा क्वेश्चन है बोलता है कि ए लिमिटेड फॉलो कॉस्ट फॉर एसोसिएट, एसोसिएट के लोग कॉस्ट फॉलो करता है, लेकिन जैसे ही एसोसिएट बना उस समय तो उसको फेयर वैल्यू पे लेना होगा, ठीक है। तो इसलिए फेयर वैल्यू पे लिया गया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और ये आगे जाके कॉस्ट मानी जाएगी। मान लीजिए फेयर वैल्यू कुछ और रहती और कॉस्ट इसकी 4 लाख, मतलब 4 लाख में खरीदा और फेयर वैल्यू मान लीजिए 4,50,000 होती, तो एंट्री क्या मारी जाती, 4,50,000। भले ही वो कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहा है, वो बात की बात है, एसोसिएट बनने के सब्सिडरी बनने के बाद की बात है कि तुम कौन सा मेथड फॉलो करोगे, लेकिन जब बनेगी तब तो तुमको फेयर वैल्यू पे ही लगाना होगा जो कि प्रीवियसली तुम फॉलो करते रहे हो 109, वो बोलता है फेयर वैल्यू पे, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। अब ईयर एंड आ गया, तो ईयर एंड पे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी और आपके पास कितनी शेयर हैं, पहले का आपके पास 10% है और अभी का 30%। ये आपका इसका कॉस्ट देखते हैं क्या है, मतलब इसकी वैल्यूएशन। फेयर वैल्यू इसकी दी गई है 1,50,000। ये आपका ओपनिंग का डेटा है और क्लोजिंग का। ये जो डेट दिया हुआ है ये कब का है, फेयर वैल्यू आपका 31 मार्च 2016 का है, जो कि हमने यहाँ पे फेयर वैल्यू पे लिया था इसको, और टिल 1 जून 2016 को। और उसके बाद जो जो आपकी फेयर वैल्यू हो जाती है वो 10,000 के हिसाब से हो जाती है, ठीक है। चलिए, मतलब 10% अलॉट इज, मतलब 10% की वैल्यूएशन 1,00,000। तो अब जो ईयर एंड आ रहा है, अब आपको समझना होगा जो ईयर एंड आ रहा है उस समय आपके एसेट की वैल्यू क्या दिखाई जाएगी। आपने एसेट खरीदी, जो भी वैल्यूएशन थी आपकी, अभी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे। 1,50,000 पे तो आपने एंट्री मारी थी पहली वाली, और एक 4,50,000, ठीक है। जैसे ही एसोसिएट बनी तो आपकी जो पूरी एसेट की जो फेयर वैल्यू है वो आपकी कॉस्ट हो जाएगी। आपने जैसे ही 30% इन्वेस्ट किया, आपकी वैल्यूएशन उस कंपनी में 40% हो गई, तो ये आप भले ही 1,00,000 में खरीदे हो लेकिन उस दिन की जो फेयर वैल्यू है जिस पे हमने इसको अक्वायर किया था वो 1,50,000। जैसा कि हमने ये बोला कि यहाँ
जो ये फेयर वैल्यू दी गई है वो 31 मार्च और 1 जून 2016 तक की दी गई है। तो 1 जून 2016 तक की ये जो फेयर वैल्यू है वो कॉस्ट हो जाएगी, ये जो फेयर वैल्यू है वो कॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इसकी फेयर वैल्यूएशन है वो कितनी हो जाएगी, 6 लाख। फेयर वैल्यूएशन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 30%, मतलब 1 जून 2016 को जो इसकी फेयर वैल्यू है वो 6 लाख हो जाएगी, और इसी को अब कॉस्ट मान लिया जाएगा। अब इसमें कोई चेंजेस होता है, अगर इसमें कोई चेंजेस होता है, समझ रहे हैं, मान लीजिए कि 10% शेयर की वैल्यूएशन जैसे नीचे दिया हुआ है, 10% शेयर की वैल्यूएशन आपकी 1 लाख हो गई, 10% की वैल्यूएशन 1 लाख हो गई, पहले कितनी थी 10% की, 1,50,000। लेकिन हम फॉलो करते हैं कौन सी, कॉस्ट मेथड, एसोसिएट के लिए कॉस्ट मेथड फॉलो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में रिज्यूम करने बोला था ना कि ए लिमिटेड फॉलोज कॉस्ट फॉर एसोसिएट, तब इसकी वैल्यूएशन फेयर वैल्यू गिर गई है, लेकिन हम फॉलो कौन से करते हैं भाई साहब, कॉस्ट। तो हमारे लिए ये 6 लाख का 6 लाख ही रहेगा, भले ही ये 10% की वैल्यूएशन 2 लाख भी हो जाए, लेकिन हमारे लिए अगर हम कॉस्ट मेथड फॉलो करते हैं तो 6 लाख का 6 लाख ही रहेगा। अगर हम यही फेयर वैल्यू मेथड फॉलो करते तो मेरा वैल्यूएशन क्या हो जाती, फेयर वैल्यू पे लाना पड़ता, अगर मैं 109 फॉलो करता अगर, तो ये हो जाती 4 लाख, 40% की वैल्यूएशन 4 लाख हो जाती, 10% का वैल्यूएशन अगर 1 लाख है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि टिल द डेट ऑफ बिकमिंग एन एसोसिएट और सब्सिडरी, उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है टोटल मेरे इन्वेस्टमेंट की, वो मेरी कॉस्ट हो जाएगी। अगर वो फर्दर चेंज होता है तो हमसे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं कॉस्ट मेथड फॉलो करता हूँ। अगर मैं वही फेयर वैल्यू मेथड फॉलो करता हूँ 109, तो मेरे को चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इस केस में मैं एसोसिएट में फॉलो जो कर रहा हूँ वो मैंने आपको दिखा दिया। अगर अब इसकी अगर एक्सट्रैक्ट बनाई जाए तो पीएनएल में तो कुछ गया नहीं, लेकिन बैलेंस शीट में आपका वही नॉन करेंट एसेट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 6 लाख का आ जाएगा। कॉस्ट मेथड इन्वेस्टमेंट इन आप बोल सकते हो, अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, ये इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट हो गया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे तो हम लोग फेयर वैल्यू लगाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना। अब चलते हैं लास्ट ईयर में, जो कि है सम्स के हिसाब से 2017-18। अब इसमें क्या दिया हुआ है, बोला कि 20% हम फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 लाख के लिए, और फेयर वैल्यू कितनी है 10% का 1 लाख। क्लियर है कॉन्सेप्ट, 10% का 1 लाख है। अब समझिए, हम कॉस्ट मेथड फॉलो करते हैं। अब ये 1 जुलाई को क्या बन गई, ये 1 जुलाई को बन गई सब्सिडरी। तो क्या करना होगा, एसोसिएट बन रही है सब्सिडरी बन रही है, एसोसिएट बन रही है सब्सिडरी बन रही, तो हमें उसको किस पे लेना होगा, कॉस्ट पे लेना होगा कि फेयर वैल्यू पे, कॉस्ट पे लेना होगा कि फेयर वैल्यू पे। आंसर इज फेयर वैल्यू पे। आपने पे कितना किया है वो फर्क नहीं पड़ता, जब एसोसिएट बन रही है सब्सिडरी बन रही है तब आपको उसको फेयर वैल्यू पे लेना पड़ेगा, और वही आपकी कॉस्ट हो जाएगी। यहाँ पे फेयर वैल्यू 10, फेयर वैल्यू के हिसाब से ही दिया हुआ है 1 जुलाई को। यहाँ पे एंट्री क्या होगी, 1 जुलाई 2017 को आपकी एंट्री हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट आपका 20% है 2 लाख का, अपकोस टू बैंक हो जाएगा 2 लाख, इन्वेस्टमेंट 2 लाख की, 2 लाख का बैंक में चला गया। अब बाद में आती है आपकी क्लोजिंग 31 मार्च 2018। अब आपके पास कितनी होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग कितनी है, आपके पास 40% था, अब आ गया 20%, तो ये आपकी हो गई सब्सिडरी।
और आपने बोला था सब्सिडी के केस में हम फॉलो करेंगे फेयर वैल्यू, और 31 मार्च 2018 की फेयर वैल्यू दी हुई है 1,20,000 10% की। तो आप ये बताइए कि 6+2 करेंगे, मतलब कॉस्ट मेथड के हिसाब से आपकी वैल्यूएशन इसकी 6 लाख थी, लेकिन अब जब वो फेयर वैल्यू, मतलब जैसे ही सब्सिडी बनी तो इसको फेयर वैल्यू पे हम ले लिए, तो 10% का 4 लाख और ये +2 लाख, तो 60% के इन्वेस्टमेंट की 6 लाख वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ बिकमिंग अ सब्सिडी, जब सब्सिडी बनता है तो। ठीक है, जैसे ही सब्सिडी बना हम उसको क्या किए, फेयर वैल्यू पे ले लिए, तब कोई मेथड की बात नहीं हो रही है। जैसे ही एसोसिएट बना, सब्सिडी बना, कोई मेथड की बात नहीं हो रही, तब तो फेयर वैल्यू लेना है। भाई साहब एक बात क्लियर कर लो, जब भी एसोसिएट सब्सिडी बननी है तो आपको लेना है उसको फेयर वैल्यू पे। तो आपकी जो फेयर वैल्यूएशन होगी सब्सिडी बनने पे, तो उसमें कमी आ गई, 6 लाख का शेयर आपका 4 लाख पे चला गया ना, ये जो 6 लाख का शेयर था आपका वो 4 लाख पे चला गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, पीएल पहले क्रेडिट किए थे 50,000 से, अब इसको क्या करना होगा, डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी, 6 लाख दिखाए थे बैलेंस शीट में अगर आपको याद हो अभी थोड़ा देर पहले, तो इसकी वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि सब्सिडी बनी, इसको फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा। तो आज के डेट में ऑन द डेट ऑफ बिकमिंग अ सब्सिडी जो हमारा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी अकाउंट है वो 6 लाख दिखा रहा है, मतलब 10% का वैल्यू है 1 लाख। अब क्लोजिंग का डेट आया और हम फॉलो करते हैं इस समय फेयर वैल्यू, हम फॉलो करते हैं इस समय फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू बोलती है 31 मार्च 2018 को कि 10% का वैल्यूएशन है 1,20,000। तो आप क्या करेंगे बताइए, आपके हिसाब से अगर अब तब 60% की वैल्यूएशन निकाली जाए तो क्या होगी, तो ये हो जाएगी 7,20,000। अगर 10% का वैल्यूएशन है आपका कितना, 1,20,000, तो 60% का 7,20,000। अगर 10% बराबर है 1,20,000 के, तो 60% का कितना बराबर हो जाएगा, वो 7,20,000। क्लियर है, तब एंट्री क्या होगी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, कितना था, 6 लाख रुपया अभी दिख रहा है ना, और आज की डेट में वैल्यूएशन हो गई 1,20,000, तो ये बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी टू पीएनएल 1,20,000। क्लियर है, तो फेयर मार्केट वैल्यू पे हम ला दी शेयर को क्लोजिंग के डेट पे। वैल्यूएशन कब होती है, देखिए जब एसोसिएट सब्सिडी बनती है तब होगी और क्लोजिंग पे होगी। जब एसोसिएट सब्सिडी बनती है तो कोई रूल फॉलो नहीं करना, आपको फेयर वैल्यू पे ले लेना। अब वो जो ले लिए तो वो कॉस्ट हो गई, अगर आगे आपको कॉस्ट फॉलो करना है तो भाड़ में जाए वैल्यूएशन, आपको कॉस्ट 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 करके खेलना है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि फेयर वैल्यू फॉलो करनी है तो फिर क्लोजिंग आएगी तो आपको फेयर वैल्यूएशन पे लेना पड़ेगा, जैसे कि हमने इस समय लिया। क्लियर है, और आपकी एक एंट्री मारी हुई थी पीएनएल में, आपने क्रेडिट करके रखा हुआ है जबकि बैलेंस होना चाहिए डेबिट। तो अगर मेरे को पीएनएल में अब
यहाँ पे 1,20,000 डेबिट लाना है पीएनएल में, मतलब 1,20,000 क्रेडिट लाना है, तो मेरे को क्या करना होगा? तब हमारी एंट्री ये वाली जो हुई है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट, इसमें 2,00,000 जुट जाएगा। समझ रहे हो आप किस लिए मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ? कि हमने वैल्यूएशन पे एक एंट्री मारी, इन्वेस्टमेंट को हमने डी वैल्यू किया, पीएनएल में हमने लॉस बुक किया। अब हमें उस पीएनएल में 1,20,000 का क्रेडिट दिखाना है। 1,20,000 का क्रेडिट दिखाना है मतलब पीएनएल 2,00,000 माइनस में है, समझिए ऐसे करके। तो 3,20,000 अगर उसमें इनकम दिखा दिया जाए, तो इसका इनकम मतलब ये प्लस वैल्यू है, तो 1,20,000 आ जाएगा। तो हमारी एंट्री यही होगी कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, और वो 3,20,000 होगी, क्योंकि 2,00,000 का जो लॉस हमने बुक किया उसको इनकम में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को 3,20,000 क्रेडिट में डालना होगा। तभी वो पहले उस लॉस को कैंसिल करेंगे और फिर इसको बुक करेंगे। तो जॉइंट एंट्री बोल सकते हैं इसको, कि पहले 2,00,000 के लॉस को कैंसिल किया गया इसमें, ये देखो ये कैंसिल हो गया, और 1,20,000 से वैल्यूएशन बढ़ा दी हमने। क्लियर है? चलिए, ओके। तो 2015-16 से सफ़र शुरू हुआ, 16-17 से 17-18। तो इसका क्रक्स अगर निकाला जाए, अगर बोला जाए कि भाई इसका क्रक्स क्या है वो बता, तो देखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन आपको करनी है तो एक रूल फॉलो करो कि जब भी एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी बनती है तो उस समय हमें इसको लेना है फेयर वैल्यू पे। ले लिए फेयर वैल्यू पे, कभी भी अगर ये बनती है तो जितनी भी ओल्ड इन्वेस्टमेंट है प्लस न्यू, दोनों को क्या लेना है? फेयर वैल्यू पे लेना है, ठीक है। अब ये जो फेयर वैल्यू आई, ये हो गई कॉस्ट। ये जो फेयर वैल्यू हुई आई वो हो गई कॉस्ट। अब आप कॉस्ट में कंटिन्यू करना चाहते हो तो कॉस्ट मेथड फॉलो करो, और फेयर वैल्यू में जाना चाहते हो तो 109 फॉलो करो। इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब क्लोजिंग आएगा एंड ऑफ द ईयर पे। तो क्या स्टोरी है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करना है आपको, तो नॉर्मल जो होता है इसके बनने से पहले जो ये स्टेज है, ये तो हमेशा 109 मतलब फेयर वैल्यू पे फॉलो करता है। लेकिन जैसे ही एसोसिएट बना, जॉइंट वेंचर सब्सिडी, तो उसमें ओल्ड और न्यू दोनों को फेयर वैल्यू पे लो, ओल्ड और न्यू दोनों को फेयर वैल्यू पे लो, और जो वैल्यू आई वो तुम्हारी हो गई कॉस्ट। और आपको फ्यूचर में कॉस्ट फॉलो करनी है तो क्लोजिंग पे आए तो आपको फेयर वैल्यूएशन पे नहीं करना है। कॉस्ट 6,00,000 थी तो 6,00,000 ही रहेगी, तुम्हारा वैल्यूएशन भले ही 8-10-20-25,00,000 हो गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप फेयर वैल्यू फॉलो करते हो तो आपको पीएल से एडजस्ट करके इन्वेस्टमेंट को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, वैसे ही एडजस्टमेंट पीएनएल में होगा, इनकम और लॉस एज द केस मे बी, वो एंड ऑफ द ईयर में होता है। तो ये है क्रक्स इसका, देख लीजिए आप एक बार ऐसा करके। कुछ कर नहीं रहे, बस बता रहे कि दोनों हाथ से, कि इधर देखो, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचा, तो ये वैल्यूएशन पार्ट हो गया। आई होप आपका क्लियर।
अब बात करेंगे अपना आगे वाले टॉपिक पे, वो होगा परचेज कंसिडरेशन के ऊपर। ये वैल्यूएशन के ऊपर बात कर लिया हमने, अब बात करेंगे परचेज कंसिडरेशन कैसे करते हैं। अमलगमेशन मर्जर की बात कर रहे हैं हम लोग एक्विजिशन की, तो उसमें परचेज कंसिडरेशन क्या होता है आपको समझना होगा। राइटिंग बड़ी ही, फिर से लिखते हैं, क्या दिक्कत है। परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? आप एक कंपनी को क्या करते हो, मान लीजिए ये ए और बी है, आपने इस कंपनी को कर लिया अक्वायर, आपने इस कंपनी को कर लिया अक्वायर और आप नाच रहे हो, ठीक है, ये बेचारा रो रहा है। आपने इसको कुछ तो दिया होगा, कुछ तो दिया होगा, दिया होगा। उस कुछ को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं परचेज प्राइस, खरीदने का दाम। तो उसी खरीदने के दाम को परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं? परचेज प्राइस। अब इस परचेज प्राइस में आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी। आपको कैश देना है, इक्विटी देना है, प्रेफरेंस देना है, कोई परक्विजिट देना है, कोई आने वाले समय में कोई बेनिफिट देना है, कोई फ्यूचर में कोई कंडीशनल बेस्ड पेमेंट देना है, मतलब आप चाहते हो कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे। क्या बोले आपको? आपको बोले कि ऐसा हुआ तो हम वैसा, मान लीजिए कि हमारी टर्नओवर इतनी हुई, तो उसको बोलते हैं कंटिंजेंट कंसिडरेशन। मतलब बोले कि अगर आपसे हमने कंपनी अक्वायर कर ली और 5,000 करोड़ इसकी अगर टर्नओवर हो जाती तो हम आपको कुछ रुपया दे देंगे, ठीक है। और आप बोलते हो कि हम कुछ चीज़ों का बाद में पेमेंट करेंगे, तो उसको बोलते हैं डिफर्ड कंसिडरेशन। आप बहुत कुछ दे सकते हो, तो इन बहुत कुछ का जो टोटल होगा वो भाई साहब हो जाएंगे आपके परचेज कंसिडरेशन। इसके ऊपर बात करेंगे और इसका एग्जांपल भी लेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो वो भी बताइए, हम लोग कोशिश पूरी करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। थैंक यू। एक बात याद रखिए, आप हैं तो हमारी हैसियत है। और कुछ सुनाना है तो सुना सकते हैं आपको, लेकिन अगले वीडियो में। बाय।